मिल गया रेस्टोरेंट ये है। देखो गर्मी में भी जैकेट पहने हुए हैं हम लोग गर्मी में भी जैकेट पहन रखी है जादू है हम जादू जी। गुड मॉर्निंग, आज मॉर्निंग लेट हुई है, लेट उठाऊँ रात तबियत खराब थी। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सबका न्यू ब्लॉग में। और जैसे कि देख रहे हो ये हमारा आशियाना रात ये मैं अपने ब्लैंकेट और ये ले आया था क्योंकि भाई के पास है यहाँ पे, बट मैं फिर भी ले आया था, मैंने कहा इन केस ना हो क्योंकि। और देखो ये यही रूम है गुरु जी का, मैसी बना रखा है। और ये है किचन टिपिकल लड़कों वाला किचन हो रखा है, पर क्या करें भाई, फैमिली साथ में होती है ना तो वो बहुत अच्छे से रखते हैं सारी चीज़ों को, अकेले में बंदे के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। अभी मैं बना रहा हूँ चाय देखो, और भाई चला गया सुबह, उसकी जो है काम ड्यूटी थी, एक कुछ एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में, तो उसे उसको जो है मेरे ख्याल से कुछ उसी को दिया गया था कुछ उसमें टास्क, तो ये वो बना के चला गया। ये देखो चने, चने बना के गया, तो चने खा रहा हूँ इसमें बॉइल करके। उसका ना फंडा बड़ा अलग है ज़िंदगी जीने का, बहुत कंसेप्ट क्लियर है भाई सच में, अगर उसकी तरह हम हो जाए तो बहुत कामयाब इंसान हो जाए। बाकी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ अभी, देखो बाहर का नज़ारा अभी मैं आ गया हूँ बालकनी में, अभी दिखाता हूँ, अभी अल्ट्रा वाइड मोड में भी दिखाऊंगा। बट ये है, ये डैम है, ये काफ़ी बड़ा है उधर, लाइक दिस वो जो दिख रहे हैं ना पहाड़ बर्फ वाले, बर्फीले हैं वहाँ के, मैं चोटी पर बर्फ है पूरी ढकी हुई, बहुत दूर होंगे बट ये यहाँ से अभी ऐसे लग रहे हैं कि ये पहाड़ों में काफ़ी दूर होंगे। और इस तरीके से होता है जी सिस्टम, बिल्कुल नेचर ही नेचर, तार ज़्यादा है क्योंकि दुनिया भर के बाहर है। और ये है छोटा सा गार्डन भी मेंटेन कर रखा है अल्ट्रा वाइड मोड में, बहुत शांति है यहाँ पे, तपस्या वगैरह करनी है तो कर सकते हो ये दोनों खड़ी है अपने नीचे यहाँ पे, ये देखो ये व्यू है यहाँ से। मेरी चाय बन गई होगी, चाय पी लूँ। तो मैं भाई साहब ने जो है ना, गुरुजी ने हमेशा से बड़ा इंस्पायर किया है मुझे बहुत ज़्यादा, बट अफसोस मैं नक्शे कदम पर उसके चल नहीं सका। बट सच में बहुत ज़बरदस्त बंदा है, बहुत रेस्पॉन्सिबल और बहुत मैच्योर। चाय पी लें जरा थोड़ी सी, क्वार्टर होते हैं सरकारी, ये इस तरीके के क्वार्टर होते हैं ये, आप ये समझ लो कि क्लास ए ऑफिसर्स के क्वार्टर जो है ना ऐसे होते हैं यहाँ पे। और ये भी अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसे हिल स्टेशंस पे जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ बहुत जो है दिक्कत होती है, वहाँ पे इस तरीके की अकोमोडेशन भी अपने आप में क्या कहना चाहिए कि मैं ज़्यादा हाइप तो नहीं करूँगा, बट हाँ इस तरीके की अकोमोडेशन भी जो है ना रेयर ही होती है क्योंकि ये पुराने हैं काफ़ी बने हुए, पर फैसिलिटीज़ सब है टोटल गीजर इसका ये सब उसने लगवाया हुआ मस्त। और सबसे अच्छी बात ये है कि लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं प्लानिंग तो थी मेरी लंबी रुकने की, पर मैं रुक नहीं पाया किसी रीजंस की वजह से, रुक तो नहीं पाया पर मैं कंसर्न था क्योंकि कपड़े धोने को लेके जो है ना, क्योंकि बात ये नहीं है कि भाई हाथ से आप कर नहीं सकते हो या ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, पर मेन चीज़ होती है ज़िंदगी में टाइम की, जब आदमी के पास टाइम का अभाव हो जाता है ना, क्योंकि और कामों में आदमी का जो है इंसान का इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मेन चीज़ ज़रूरी होती है टाइम बचाना। तो खैर वो देहरादून जाता रहता है, काम से भी बहुत काम पड़ते हैं, देहरादून हेडक्वार्टर है और फैमिली है, तो अपना छुट्टी के दिन वैसे ही तो कपड़े ले जाता है, पर इस बार भाई ने उसने भी यहाँ पे एक मशीन छोटी सी ले ली और बड़ा अच्छा लगा मुझे, छोटी सी क्या एक फुल्ली ऑटोमेटिक उसने भी फ्रंट लोड की मशीन ले ली,
अभी दिखा रहा हूँ, तो कम से कम ये है कि अभी से भी काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। मैंने कहा चल भाई बढ़िया है। देखो ये है, ये मशीन ले ली है भाई ने, 6.5 kg की LG की, ये ना फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड। और ये हमारा सिस्टम है, इधर सामने दो नंबर आ रहा हो चले जाना, इधर वॉशरूम है, गीजर वगैरह है, और एक रूम ये भी है इधर, उसका पूरा हाउस टूर ही दे रहा हूँ मैं। और ये अपना लॉबी हो गया, लॉबी नहीं है, ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग हॉल, ये गुरुजी का कमरा है, और ये जो है बाहर का है, ये इधर का है, इधर रूम जो दिखाया था मैंने, मैं यहाँ लेटना पसंद करता हूँ, मुझे यहीं बढ़िया लगता है, एकदम मस्त, ये दीवान है। और यहाँ से अपना ये रहा बाहर की नज़ारा, चाय बन गई है, चाय पी लें और चने खा लें जो भाई बना के गया है, और सिंपल कुकर में इसमें ना फटाफट से बॉईल करके और चला गया, बोले भाई तू जल्दी से अपना नाश्ता करेगा, ये चीज कर लेना। दोपहर का टाइम हो गया भाई, और कुछ बनाया गया नहीं हमसे, घर में सुबह बना लिया था इन्होंने, वो खा लिया, अभी लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा दिखाता हूँ शहर, हनुमान चौक है टेरी का, और ये इधर की साइड में जो है खाने पीने की मार्केट है यहाँ पे सारी, ये देखो ये है टेहरी की मार्केट, टेहरी तो रहा है, न्यू टेहरी है, न्यू टेहरी है ना, टेहरी तो भाई डूब गया था डैम में, जब डैम बनाया तो टेहरी सारा पुराना टेहरी शहर उसी में जो है आ गया, वो फिर वहाँ से उन लोगों को रिलोकेट करके जो है ना देहरादून में, और यहाँ पे ऊपर ये बसाया गया नया शहर पूरा। द्वारा भी है, कितना अच्छा, ये बोराडी की मार्केट है, बोराडी और न्यू टेहरी एक ही है, कनेक्टिव हो गया था तो अलग, ये पहले से ही था, वो नया बसाया गया है, इसको आप साईं चौक भी कह सकते हो, साईं चौक ही है, किराए भी चौक ही है, चौक का नाम दे दिया जाता है पहाड़ों पे। ये है बोराडी की मार्केट, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है बोराडी की एज कम्पेयर टू न्यू टेहरी, यहाँ सब कुछ मिलेगा, जेब में रोकड़ा होना चाहिए। मैं थोड़ा स्लीपी स्लीपी सा हो रहा हूँ, ये चढ़ाना ऊपर, ऐसे रह गया ये वाला रह गया, मैं स्लीपी सा हो रहा हूँ भाई, प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि भैया आए ड्यूटी से और मैं सो रहा था, तो लंच करने के लिए मैंने कहा चलो लंच कर लेते हैं, एनर्जी थोड़ी फुस है हमारी मार्केट। और यहाँ सारा ये पूरा प्लान्ड है ऊपर न्यू टीरी, ये पहले से था ये रेस्टोरेंट, ये है देखो, गर्मी में भी जैकेट पहने हुए हैं हम लोग, गर्मी में भी जैकेट पहन रखी है, जादू है हम जादू, ज़्यादातर सब ऐसे ही रहता है, हैंगिंग बने हुए होते हैं, पीछे पहाड़, इधर रेस्टोरेंट, हमने ऑर्डर किया डोसा, डोसा खाते हैं, ऐसा है जी व्यू लाइक दिस, ये सब लोगों का घर है, ऐसे घर होते हैं पहाड़ में यूँ, और वो है उधर डैम, दिस इज न्यू टिहरी एंड बोराडी, खाने का जुगाड़, पनीर वगैरह और सब्जियां ली हैं ताकि शाम को खाना खा पाए, बोलना टफ काम है यहाँ पे, छोटी छोटी रोड होती हैं। यह है बोराडी की मार्केट, बोराडी की मार्केट, नाउ वी आर हेडिंग बैक फॉर अ सेफ ड्राइव टू होम। मुझे एक बात का आराम है, जब से मैं आया हूँ कल से गाड़ी मुझे नहीं चलानी पड़ी गाड़ी यही चला रहे गुरु जी बड़ी राहत है, सारा क्रेज खत्म हो चुका है गाड़ी चलाने का, मन नहीं करता गाड़ी चलाने का, बैठने का मन करता है। टेहरी के ज़्यादा दंगा करोगे तो यहीं बंद कर दिया जाएगा पहाड़ों पर, हमारे सकलानी जी ये बना रहे हैं खाना, खाना पीना खा लिया, और तबीयत मेरी डाउन है,
इस वजह से जो है ना गाइस एनर्जी थोड़ी डाउन है, तो सॉरी फॉर उसके लिए। खाना पीना खा के अपना अपना लेट गए, भैया भी लेट गया, मैं भी लेट गया। खाना बनाया था सगलानी जी ने, पनीर पड़िया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, और प्यार देते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।